Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about hair care routine specifically for this monsoon chip chip summers. इस मौसम में हम सबके बाल ऐसे dull, dehydrated हो जाते हैं, बिल्कुल भी bouncy नहीं लगते, काफी बार ऐसे flat हो जाते हैं because इतनी ज्यादा humidity है. And sometimes हम क्या करते हैं, हमें लगता है अच्छा humidity है, बहुत ज्यादा sweating हो रही है, तो over drying वाले shampoo या फिर hair conditioner कुछ ऐसा product use कर लेते हैं, उससे आपके बाल और ज्यादा dry हो जाते हैं और काफी बार आपके बालों में से hydration बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हमारे बाल हो जाते हैं. और इस ड्राइनेस, डलनेस और डिहाइड्रेटेड बालों के साथ फाइट करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, जो एक सुपर पावर इंग्रेडिएंट होता है, विच इज हाइलुरोनिक एसिड. नाउ बिफोर यू से हाइलुरोनिक एसिड हेयर केयर में, बिकॉज हम तो हाइलुरोनिक एसिड अपने फेस पर यूज करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, येस हाइलुरोनिक एसिड इज अ बून फॉर योर हेयर एज वेल. सो आज मैं आपको एक सुपर सिंपल 3-स्टेप हेयर केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप हाइलुरोनिक एसिड अपने बालों में इन्फ्यूज कर सकते हो, अपने बालों को दोबारा से एक हाइड्रेटेड, हेल्दी और ऐसे बाउंसी हेयर बना सकते हो. Because I personally don't like those chip chip pin straight hair, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. I love this bounce, जो एक healthy bounce होता है, आपके बालों में hydration होती है, shininess आती है. Ultimately जो आपके बाल hydrated होंगे ना, वो shine भी करेंगे, वो अच्छे healthy लगेंगे. So yeah, without any further ado, let's get started. Step number one is a good shampoo. काफी बार हम सोचते हैं कि बालों में hydration देनी है तो conditioner mask अच्छा ले लेते हैं, shampoo कोई भी use कर लेते हैं और काम चल जाएगा, but no, ऐसा नहीं है. You really have to focus on a quality shampoo जो अगेन आपके बालों में वो plumpness लेके आए, वो हाइड्रेशन वापस लेके आए. एंड फॉर दैट दिस इज अ हीरो प्रोडक्ट, दिस इज अ लॉरियल पेरिस हाइलुरोन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू. इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड एंड यू गाइस नो हाइलुरोनिक एसिड कितना अच्छा होता है आपके बालों को या फिर स्किन को भी रीप्लम्प करने में, एक तरह से बिल्कुल वाटर को अट्रैक्ट करता है, खींच के लाता है आपके बालों के अंदर भी. एंड अगेन वेरी वेरी सेफ इंग्रेडिएंट फॉर योर हेयर एज वेल. इनफैक्ट अपने वेट से 1000 टाइम्स वाटर होल्ड कर सकता है, सो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है. काफी बार हमारे बालों में से वो हाइड्रेशन ही चली जाती है एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमारे बाल इतने सूखे, डल, डिहाइड्रेटेड फील होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ हाइलुरोनिक इन्फ्यूज शैम्पू जो रीप्लम्प करता है आपके बालों को विद 72 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन, लीविंग योर हेयर सॉफ्ट, सपल एंड हेल्दी. सो यू कैन सी इन द वीडियो कितने अच्छे से इसका फोम बन रहा है. आई लव द फ्रेग्रेंस टू, बहुत अच्छी इसकी प्लीजिंग खुशबू है, काफी अच्छे से स्कैल्प को क्लेंस कर देता है, जो भी डर्ट, गंक, ऑयल होता है उसको तो निकाल ही देता है, बट एट द सेम टाइम आपके हेयर लेंथ को भी काफी अच्छा एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इन इट. एंड आई लव द फैक्ट कि शैम्पू को भी रिंस ऑफ करके मेरे बाल ड्राई नहीं फील होते. काफी बार ऐसे शैम्पू है मार्केट में जिनको यूज करके लगता है बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए एंड देन वी हैव टू यूज अ कंडीशनर एंड हेयर मास्क, बट कभी कभी उतना जल्दी जल्दी आपको काम पर जाना है, कहीं वर्क में जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं, आपको खाली शैम्पू करना है एंड यू जस्ट हैव टू लीव. सो ऑन दोज डेज मुझे शैम्पू पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि इसको लगाया एंड दैट्स इट. मैं काफी बार तो अपना कंडीशनर हेयर मास्क भी स्किप कर देती हूँ बिकॉज ये शैम्पू अपने आप में बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है. बट येस, अगर एडिशनली कंडीशनर हेयर मास्क लगाओगे देन डेफिनेटली आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे. Talking about conditioner, now let's talk about step 2 of hair care routine, which is conditioning. And for that, I'm loving this one. This is the L'Oreal Paris Hyaluron Moisture 72-hour Moisture Sealing Conditioner, again with hyaluronic acid. ये detangle करता है and lock करता है moisture आपके बालों में. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा dull हैं, dehydrated हैं, बिल्कुल lifeless feel होते हैं, काफी बार हम इतनी ज़्यादा heating treatments करा लेते हैं अपने hair पे, जैसे हम कहीं salon गए, हमने कोई hair style करवा लिया या फिर हमने घर में इतनी ज़्यादा straightening कर ली, hot blow drying बहुत ज़्यादा कर ली, उससे क्या होता है आपके बालों का हाइड्रेशन सारा चला जाता है. जितने भी हॉट टूल्स होते हैं ना, वो आपके बालों से सारी नरिशमेंट, सारा हाइड्रेशन खींच लेते हैं. सो ऐसा एक कंडीशनर एकदम परफेक्ट है उस हाइड्रेशन को वापस लाने के लिए, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड अगेन वाटर को होल्ड करेगा आपके बालों में, वो प्लम्पनेस वापस लेके आएगा. यू कैन सी इन द वीडियो मैं कैसे कंडीशनर अप्लाई कर रही हूँ. सबसे पहले एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट करना होता है. कभी भी एक्सट्रीमली गीले बालों पर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए. एक्सेस वाटर जितना आप निकाल सकते हो उसको निकाल दो एंड देन अपने बालों को पार्टीशन करके मैं अच्छे से हेयर लेंथ पर कंडीशनर लगाती हूँ. कंडीशनर कभी भी रूट्स पे, स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर हेयर लेंथ. अच्छे से हेयर लेंथ को पार्टीशन कर करके लगाया, उसको मैं 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ती हूँ. कंडीशनर को थोड़ा सा अपने बालों पे छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड देन आई जस्ट रिंस इट ऑफ विद नाइस कोल्ड वाटर. गर्म पानी से कंडीशनर मत हटाना, अदरवाइज इट विल जस्ट टेक अवे ऑल द हाइड्रेशन. जितने ठंडे पानी से कंडीशनर को वॉश ऑफ करोगे आपको उतने ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज ये कंडीशनर आपके बालों को एकदम डीटैंगल भी कर देता है, मॉइस्चर को लॉक कर देता है. आप जैसे इसको रिंस ऑफ करोगे ना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे. यू कैन फील दैट सॉफ्टनेस, दैट हाइड्रेशन इन टू योर हेयर. सो अगेन इफ एनी ऑफ द गर्ल और इवन गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज काफी लड़कों के बाल इतने ज्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई दिस कंडीशनर. आई एम श्योर यू विल लव इट.
शैम्पू कंडीशनर की तो हमने बात कर ली, ये तो हो गए क्लेंजिंग या फिर नरिशमेंट के स्टेप्स हो गए, बट यू नीड नाइस ओवरनाइट नरिशमेंट एज वेल. मैं हमेशा कहती हूँ जो ओवरनाइट ट्रीटमेंट्स आप अपने बालों पे लगाते हो ना वो और अच्छा रिजल्ट देती है. एंड सिंस इट्स मॉनसून समर्स, मुझे इतना ज्यादा ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, वो चिपचिप मुझे बहुत गंदी लगती है, प्लस उसकी वजह से काफी बार हेयर फॉल भी हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई लव अप्लाइंग अ नाइस नाइट क्रीम एंड दिस वन इज अ सुपर यूनिक प्रोडक्ट बाय लॉरियल. दिस इज द लॉरियल पैरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रोफिलिंग नाइट क्रीम. इसके अंदर भी हाइलुरॉनिक एसिड है. दिस नाइट क्रीम प्रोवाइड्स 4x मोर हाइड्रेशन एंड सॉफ्टनेस इन जस्ट वन नाइट एंड सील द क्यूटिकल्स एज वेल. आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं उसको एकदम सील कर देती है ओवर नाइट. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट डजेंट वे डाउन योर हेयर और लीव्स एनी रेसिड्यू व्हिच इज द बेस्ट थिंग. यूजली हम जो भी नाइट क्रीम्स या फिर ऐसे जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना उससे बाल हमारे ऐसे चिपचिप हो जाते हैं या फिर स्टिकी स्टिकी लगते हैं, तो फिर हमें नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना ही होता है, हम काम पर नहीं जा सकते. बट इसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि वे डाउन नहीं करता, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता आपके बालों पे. तो आप इसको हल्का फुल्का रात को लगाओ, नेक्स्ट डे आप काम पे भी जा सकते हो. यू डोंट नीड रिंस ऑफ आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट. आप इसको लीव ऑन क्रीम की तरह यूज कर सकते हो अपने बालों पे. ये लिटरली आपकी जो भी ओवर लाइक ड्राइनेस होती है, काफी बार ऐसे फ्रिजी फ्रिजी आपके बाल लगते हैं, फिर डल आपके बाल लगते हैं, तो उसकी केस में नाइट क्रीम काफी अच्छी है. मैंने वीडियो में काफी भर के लगाई थी बिकॉज मैं एज अ ओवरनाइट नरिशमेंट इसको यूज करती हूँ. बट अगले दिन अगर आप काम पे जा रहे हो तो आप इसको एक डिसेंट अमाउंट में लगा सकते हो. ये आपके बालों में हाइड्रेशन भी वापस लेके आएगी, एज ए सेव 4x मोर हाइड्रेशन, प्लस एट द सेम टाइम आपके बाल थोड़े से सेटल भी लगेंगे, ज्यादा उड़े उड़े नहीं लगेंगे. एंड ऑफकोर्स हाइलुरोनिक एसिड है तो एक हाइड्रेशन तो आपके बालों को ग्रेजुअली देगा ही. तो दिस वॉज अ सुपर सिंपल हेयर केयर रूटीन फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन. एंड वेन द ब्रांड क्लेम्स लॉन्ग लास्टिंग दे एक्चुअली मीन इट, बिकॉज ये एंटायर रेंज आपको 72 आवर्स की एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देती है. आपके बालों को शाइनी बनाती है, प्लम्प बनाती है, हेल्दी हाइड्रेटेड बनाती है. सो ओवरऑल अगर आप परेशान हो अपने डल डिहाइड्रेटेड बालों से तो डेफिनेटली आपको ये रेंज ट्राई करनी चाहिए. मैं आजकल खुद ये ट्राई कर रही हूँ. मैंने कल दोनों ये शैम्पू और कंडीशनर प्रोडक्ट यूज करे हैं और नाइट क्रीम मैंने एक रात पहले यूज करी थी. सो डेफिनेटली आई लव द रिजल्ट्स ऑन माय हेयर. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये ऑल हेयर टाइप के लिए. काफी लड़कियां पूछती हैं कि क्या ये मेरे हेयर टाइप पे सूट करेगा या फिर नहीं करेगा. ये सारे हेयर टाइप पे सूट करने वाला है बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड इज अ इंग्रेडिएंट जो ऑयली स्कैल्प को भी अच्छे से नरिशमेंट देगा, ड्राई स्कैल्प को भी नरिशमेंट देगा. तो ये ओवरऑल सारे हेयर टाइप के लिए एकदम परफेक्ट हेयर केयर रूटीन है. बाय द वे दिस इज माय नेचुरली ड्राइड हेयर. यू कैन सी हल्का हल्का वेवीनेस है मेरे बालों में. मैंने कुछ भी प्रेसिंग इन ऑल नहीं करी. सो यू कैन सी द डिफरेंस कितने अच्छे से मेरे बाल बाउंसी है, हेल्दी है, शाइनी. और मैंने हेयर वॉश कल किया था सो ये मेरे सेकंड डे हेयर है विच आर स्टिल बाउंसी एंड शाइनी. तो अगर आपको भी हेल्दी हाइड्रेटेड बाल चाहिए तो डेफिनेटली आप ये रेंज ट्राई कर सकते हो. मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेक करना. यू लेट मी नो कि ये रेंज आपने ट्राई करी या फिर नहीं करी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.